हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति पढ़ी थी, जिसमें हमने दो स्थितियां बताई थी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रतिसमांतर प्रवेश करता है, और दूसरा बताया था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। देखो, जब समांतर या प्रतिसमांतर आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसका पथ सरल रेखीय होता है, और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। तीसरा है, नंबर तीन, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा का मतलब होता है कि किसी कोण पर तिरछा प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, ठीक, तो उसका पथ कैसा होगा और उस पथ को पूरा करने में उसको टाइम क्या लगेगा, ठीक, ये सब बातें मैं कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले हम पथ निकालेंगे कैसा होगा। तो इस बार मान लेंगे कि एम द्रव्यमान और प्लस क्यू आवेश का कोई कण है, और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, ठीक। लिखेंगे, माना एम द्रव्यमान तथा प्लस क्यू आवेश का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, थीटा कोण पर बी वेग से प्रवेश करता है, बी वेग से प्रवेश करता है। ध्यान देते रहना। मान लीजिए इस बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है बी, बी की दिशा यह है, और कोई आवेशित कण एम द्रव्यमान प्लस क्यू आवेश का कण है, और इसका जो द्रव्यमान है वो m है, m द्रव्यमान प्लस क्यू आवेश, ये कण क्या है, थीटा कोण पर प्रवेश किया है, ऐसे ये कोण कितना है, थीटा, ठीक, कितने वेग से प्रवेश किया है, चलो ऐसे बना देते हैं, थीटा कोण पर इसने प्रवेश किया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बी वेग हो गया इससे। तो वेग बी के दो घटक कर सकते हैं, वेग बी के दो घटक किए, लिखेंगे वेग बी के दो घटक किए। देखो, एक घटक जो आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा ऐसे, तो उसका नाम होगा बी कॉस थीटा, और एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, ये बी कॉस थीटा हो गया और ये बी साइन थीटा हो गया। भैया वेग बी के कितने घटक, दो घटक। देखो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा था और आवेशित कण ने थीटा कोण पर ऐसे प्रवेश किया, तो वेग बी के हमने दो घटक किए, एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक किया जिसका जो मान है उसका बी कॉस थीटा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक किया बी साइन थीटा। यहां पर लिखेंगे वेग बी के दो घटक किए, पहला समांतर घटक बी पैरेलल ऐसे लिखे दे रहे, बी समांतर का चिन्ह लगाए दे रहे, बी कॉस थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में ये वेग का घटक है, और दूसरा घटक लंबवत है, लंबवत घटक है बी परपेंडिकुलर क्या, बी कॉस थीटा, किसके लंबवत है,
चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक वी कॉस थीटा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक हो गया वी, सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, दो घटक। अब थोड़ा ध्यान दो कि जो घटक वी कॉस थीटा है ये कण को आगे बढ़ाएगा क्षैतिज दिशा में, और जो घटक वी साइन थीटा है, घटक वी साइन थीटा ये कण को वृत्ताकार पथ पर चलाएगा, ठीक। घटक वी कॉस थीटा इधर बढ़ाएगा और इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई, और जब किसी कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस वेग के कारण वो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि पथ धारण करेगा और इस वेग के कारण वो आगे बढ़ेगा, मतलब वृत्त पर भी चलना है और आगे भी बढ़ना है, तो ऐसा क्या हो सके कि वृत्त पर भी चले आगे भी बढ़े। तो आपने देखा होगा स्प्रिंग, देखी है स्प्रिंग, देखो सारे उसके जो क्रियाएं जैसी होती है वृत्ताकार होती है, आगे भी बढ़ती हुई होती है, इसका पथ जो है स्प्रिंग जैसा हो जाएगा। तो वास्तव में इस कण का जो पथ होगा वो ऐसे नहीं, बल्कि इस कण का पथ ऐसे होगा, है कि नहीं, कैसे कि वेग वी साइन थीटा के कारण वो वृत्ताकार पथ पर चलेगा और वेग वी कॉस थीटा के कारण वो क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक। इसका यह प्रमाण था प्लस की वाले से, वेग का घटक क्या था इधर वाला वी कॉस थीटा, असम। तो लिखेंगे समांतर घटक कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चलाएगा जबकि लंबवत घटक वी साइन थीटा उसको वृत्ताकार पथ पर गति कराएगा। लिखेंगे समांतर घटक वी कॉस थीटा कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चलाएगा, तथा लंबवत घटक वी साइन थीटा क्षण को वृत्ति पथ पर चलाएगा, है कि नहीं, कैसे पथ पर, वृत्ति पथ पर चलाएगा। हाँ, तो पथ हो गया स्प्रिंग जैसा, इसका नाम है कुंडलिनी। अतः कण का पथ, अतः कण का पथ कुंडलिनी होगा। बहुत प्रमुख है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ जो है कुंडलिनी होता है, ठीक। ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक, कुंडलिनी पथ होगा उसका, ये याद रखिए, इस कण का पथ कुंडलिनी होगा। भाई वी कॉस थीटा कण को आगे ले जाएगा और चूंकि वी साइन थीटा वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत वेग है इसके कारण वो वृत्ति पथ पर चलेगा। क्यों? क्योंकि वी साइन थीटा और बी को अगर देखकर हम कण पर कार्यरत बल की दिशा निकालें तो वो वी साइन थीटा और बी दोनों के लंबवत आएगा, इसलिए कण वृत्ताकार पथ भी धारण करेगा। तो अब हम जान गए कण वृत्ताकार पथ पर वी साइन थीटा वेग के कारण चल रहा है और कण सरल रेखीय दिशा में वी कॉस थीटा के कारण चल रहा है, ठीक। तो लिखेंगे कण की वृद्धि गति के लिए लंबवत घटक उत्तरदायी है, ध्यान रखना, अभिकेंद्र बल, कौन सा बल भाई, अभिकेंद्र बल एफ इक्वल टू अकेंद्र बल बराबर चुंबकी बल, कार्यरत कौन सा बल, चुंबकीय बल, ठीक। हाँ, थोड़ा ध्यान दो, अभिकेंद्र बल कितना होगा, एमवी स्क्वायर बटे आर, हम भी जानते हैं सही बात, एमवी स्क्वायर बटे आर ही होना चाहिए, लेकिन वी कौन सा, जिस वेग के कारण कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा है वो आपको वी लेना है। तो किस वेग के कारण कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, वी साइन थीटा के कारण, मतलब लंबवत वाले घटक के कारण, तो वेग लेना है आपको v परपेंडिकुलर
भी लंबवत का स्क्वायर बटे में कितना आर। चुंबकीय बल, दोनों चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का सूत्र होता है क्यू बी साइन थीटा, क्यू वी लंबवत वाला और बी साइन थीटा, थीटा कितना होगा लंबवत थोड़ा ना प्रवेश कर रहा है, थीटा को प्रवेश कर रहा है, लेकिन बी और बी के बी, बी लंबवत इस वाले घटक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण तो 90 है भाई। ये लंबवत घटक जो है ये वाला, इसके और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो क्यू बी परपेंडिकुलर बी साइन 90। आप सोच रहे होंगे साइन थीटा का ही नहीं रखा, साइन थीटा हमने नहीं रखा, उसका कारण है क्योंकि हमें लेना है जिस वेग के कारण वृद्धि गति हो रही वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का, वही तो है ना, इस वेग के कारण वृद्धि गति है तो इसी वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कि 90 डिग्री है, तो क्यू बी परपेंडिकुलर बी साइन 90। अच्छा एक बी परपेंडिकुलर वाला कट जाएगा, इधर बचेगा क्या बी एम बी, ठीक बटे में आर बचेगा, इधर बी से भी कट गया साइन 90 का मान एक हो गया, क्यू बी बचेगा, क्यू बी को इसके बटे में कर देगा, बराबर में कितना आएगा आर है। सूत्र तो वैसे हो गया क्या, एम बी परपेंडिकुलर एम बी बटे क्यू बी हो गया यार, लेकिन बी यहां पर कौन सा वेग है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, बी परपेंडिकुलर, ठीक आगे देखो आर इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर का मान कितना है बी साइन थीटा अपान में कितना क्यू बी, आर का मान निकल आया, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या होगी, किस पथ की त्रिज्या कुंडलिनी, ये कुंडलिनी पथ की त्रिज्या है, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या, आप समझ पा रहे हैं कि कुंडलिनी पथ का है हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चलता है तो वृत्ताकार होता है, हमने यहां पर देखा वेग भी था तो थीटा कोण पर, लेकिन वेग भी के एक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक बी साइन थीटा अर्थात बी परपेंडिकुलर के कारण कर वृत्ति पथ बनाएगा और बी कॉस थीटा के कारण कर सरलरेखीय पथ पर चलेगा, ठीक। तो इसलिए ये जो पथ होगा कुंडलिनी हो जाएगा, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या हो गई। अब हम निकाल लेंगे आवर्त का, कण का आवर्त का, कण का आवर्त, आवर्त काल तो किस सूत्र से लगाए b बराबर r ओमेगा से, लेकिन ये r ओमेगा b परपेंडिकुलर वाला है, क्या आएगा b परपेंडिकुलर का मान बताओ, ऐसे रखें, ऐसे रखा r का मान रख लेते हैं, जब आप r का ऐसा मान रखेंगे तो कितना निकल कर आएगा m b, इसका भी लिखें b साइन थीटा, इसका m b साइन थीटा अपान क्यू बी, ओमेगा की जगह रख देंगे 2 पाई अपान टी, वी साइन थीटा कट गया, क्यू बी इधर ले आओ, टी बराबर टी इधर ले आओ, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी, आवर्तकाल वही होगा, आवर्तकाल टी का जो मान होगा टी बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई एम अपान क्यू बी। आवृत्ति निकाल लो, कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति कैसे निकलेगी, एम बराबर आवर्तकाल का उल्टा है ना, कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति क्या निकलेगी, एम बराबर वन अपान टी, वन अपान टी का मान कितना 2 पाई अपान क्यू बी, उल्टा कर देंगे ना तो आ जाएगा क्यू बी अपान 2 पाई एम, ये आवृत्ति। हाँ आप देखो इसमें एक और बात, जो हमारे पास ये सर्कुलर पथ बना हुआ है, इस पथ को जरा गौर से देखो कि जब कण ऐसे पथ पर, मतलब कुंडलिनी पथ पर चल रहा है, हेलिक्स पथ पर चल रहा है, तो हर चक्कर में कुछ सरल रेखा की दूरी चल जाता है। जैसे एक चक्कर अगर हम यहां से शुरू माने तो यहां पर खत्म होगा, एक चक्कर में इतनी दूरी चल गया, इसको कहते हैं पथ की पिच, हेडिंग डाल के लिख देते हैं पथ की पिच, पिच क्या है, तो देखो आवेशित कण एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जितनी दूरी चलता है उसे पथ की पिच कहते हैं,
अच्छा ये दूरी किस वेग के कारण चलता है? v cos थीटा के कारण। ये दूरी जो चलता है v cos थीटा के कारण ही तो ये चलता है। तो आवेशित कण एक चक्कर में, और एक चक्कर में समय कितना लगता है? आवर्तकाल के बराबर। तो आवेशित कण एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश जितनी दूरी तय करता है उसे पथ की पिच कहते हैं। लिखेंगे यहां पे आवेशित कण एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश जितनी दूरी चलता है उसे पथ की क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। दूरी है ना, पिच कहते हैं पथ की। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। पीछे दूरी है ना, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश दूरी, थोड़ा ध्यान रखना लिखने में। एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में वैसे तो आवर्त का वो परिधि के बराबर दूरी हमने इसमें लिखा है। एक चक्कर में लेने में समझ लेना टुकड़ा यार दूरी नहीं, एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी दूरी, जिस तरह ऐसे था एक चक्कर में जितना ऐसे बढ़ जाएगा ना, वही आपकी पथ की क्या हो जाएगी? पिच हो जाएगी। पी से प्रदर्शित करते हैं तो दूरी बराबर सूत्र जानते हैं, दूरी बराबर जानते हैं क्या? चाल गुणे समय से। अब बताओ पिच एक दूरी है तो दूरी के लिए पी लिख लिया, चाल को क्या लिख लें? चाल किस चाल के कारण? बी पैरेलल वाली, इस चाल के कारण ही आगे बढ़ा रहा है। समय आवर्तकाल के बराबर टी, पी इक्वल टू हो गया बी समांतर का मान, बी कॉस थीटा इनमें क्या हो गया? ये आपकी हो गई पथ की पिच। ये दूरी इसका मात्रक जो है मीटर होगा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मीटर होगा। याद रखना जैसे पथ की पिच निकालनी पड़े तो इसका मात्रक आप लोग लिख देंगे मीटर। चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो, वैसे देखो इस सूत्र को आगे और बढ़ा सकते हो। पी पी बराबर क्या? बी कॉस थीटा, थीटा मान हो गया 2πm/3b, ये भी मान सकते भाई, टी का मान रख सकते हैं 2πm/3b। एक चीज इसमें की और ध्यान दो, आवृत्ति आपने क्या निकाली थी? qb/2πm। आवेशित कण की आवृत्ति निकाली थी qb/2πm। इस सूत्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि आवेशित कण की जो आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति, आवेशित कण की जो आवृत्ति होती है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है, ना पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक, इसका एक मेन यूज होगा आगे आपको बताएंगे। आवेशित कण की आवृत्ति वेग तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, और जब वेग पर निर्भर नहीं करेगी तो ऊर्जा पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक, तो ये आप लोग तैयार करेंगे इसको। ठीक।